बीजेपी ने बुधवार को दो लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अमरावती से बीजेपी ने मौजूदा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है, जबकि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में गोविंद करजोल को उम्मीदवार बनाया। उन्हें मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री ए नारायण स्वामी की जगह अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। दूसरी ओर उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को धन्यवाद देती हैं। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, उसके लिए वो आभारी हैं। नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंद राव अड़सुल को हराकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सीट हासिल की थी। नवनीत राणा का विवादों से पुराना नाता रहा है, उनके जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं 2022 में नवनीत के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था, जब उन्हें और उसके पति को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की धमकी दी गई थी। सीएम आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद नवनीत राणा विवादों से घिर गई थी और उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें टिकट दिए जाने पर कई हलकों से उनके विरोधी भी हुए थे, लेकिन पार्टी ने अंततः उन्हें ही उम्मीदवार बनाया। बीजेपी पहले ही महाराष्ट्र की 23 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने पहले दो चरण में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पहली सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम थे। अब तीसरी लिस्ट में नवनीत राणा के नाम का ऐलान किया गया। नवनीत राणा को भले ही बीजेपी ने अमरावती लोकसभा सीट से पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन उनका विरोध उनके सहयोगी दलों से भी हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान नवनीत राणा को एनसीपी का प्रायोजित उम्मीदवार माना जा रहा था। अमरावती में उन्हें एनसीपी का समर्थन प्राप्त था। उस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले 5 सालों में सत्ता समीकरण बदल गए। बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने वाली नवनीत राणा बीजेपी के साथ है और पार्टी ने उन्हें अमरावती से उम्मीदवार भी बना दिया। नवनीत राणा की उम्मीदवारी का विरोध विधायक बच्चू कड्डू और शिवसेना नेता आनंद राव अड़सुल ने किया था। नवनीत राणा की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद इन दोनों नेताओं ने साफ कहा था कि नवनीत राणा को लेकर उनका विरोध अभी भी बरकरार है। बच्चू कड्डू ने कहा कि हम नवनीत राणा के खिलाफ हैं और हमेशा विरोध करेंगे। नवनीत राणा के लिए लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। चुनाव परिणाम बताएंगे कि आखिर कौन जीतेगा।